हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई का मॉक टेस्ट, इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 8। और इसके पहले हमने 7 मॉक टेस्ट कर रखे हैं, और आपने अगर किसी को नहीं देखा है तो जाके देख लो। और साथ में इसकी मैं PDFs को अपलोड करते रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में, अगर लिंक वर्क नहीं करता है टेलीग्राम पर डायरेक्टली ऐसे सर्च करो @A2ZStudy, ठीक है, @A2ZStudy, और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर मॉक टेस्ट के PDF देते रहता हूँ। बाकी जो है, आप में से अगर अभी तक कोई भी हमारे पेड बैच से नहीं जुड़ा है ना, तो कम टाइम के अंदर बढ़िया तैयारी करने के लिए विश्वास के साथ, ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो नहीं, अगर हम पे विश्वास है ना, तो कम टाइम में वाई ग्रुप की कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप हमारी पेड बैच को ज्वाइन करो। इसकी प्राइस हमने बहुत कम रखा है, ₹300। इतना कम प्राइस इसलिए ना कि स्टूडेंट्स भी अफोर्ड कर पाए। इसके अंदर कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, मतलब वीडियोज लाइव नहीं होती है, लाइव में बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि बच्चे ना खाली सर ये बता दो, सर ये प्रॉब्लम है, सर एडमिट कार्ड, सर ये, सर वो, सर एज, सर वही सब में टाइम वेस्ट कराते हैं। मैंने क्लास स्टार्टिंग में 4-5 दिन करा के देखा लाइव, बहुत टाइम वेस्ट कराया। मैंने कहा कि अब रहन दो, बहुत लाइव हो गया, अब क्लासेज में अपलोड कर देता हूँ, आराम से आप देखो पूरे सब्जेक्ट्स की बढ़िया तरीके से। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, ओल्ड और न्यू मिला के 40+ टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन मॉक्स मिल जाते हैं, हमारी सारी पेड PDFs और नोट्स वगैरह आपको इस बैच के अंदर मिल जाता है। मतलब कंप्लीट पैकेज है वाई ग्रुप के लिए, बेस्ट पूरे यूट्यूब पे, पूरे ऑफलाइन बैचेस से तो 100 गुना बेहतर, मैं ये चीज मतलब धावा ठोक के बोलता हूँ, ठीक है। और अगर आपको बाई करने में समझ में कुछ ना आए तो व्हाट्सअप करके पूछ लो कैसे करना है। वैसे ही आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कर लो A2ZStudy का, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और खुद से भी बाई कर पाओगे। या फिर आप अगर सिर्फ वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो मॉक टेस्ट भी है, जस्ट ₹120 में लगा सकते हो। अगर आप पेड बैचेस लेते हो तो ये आपको अलग से नहीं बाई करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट में हम लोग सॉल्यूशन के साथ दे देंगे। साथ ही अगर आप एक्स ग्रुप से हो, सिर्फ इंग्लिश की बैच लेना चाहते हो, तो इंग्लिश की बैचेस जस्ट ₹250 में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो फिर आज का हम फर्स्ट मॉक टेस्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मॉक टेस्ट क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि माय ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, ठीक है। अब ये जो सीन है, इसमें क्या कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है ना, अरे एक कवि ने कुमार कवि नाम है, टेलीग्राम पे देखो बच्चे का मैसेज बहुत ही गर्दा गर्दा उड़ा रही है। अब देखो यहाँ पे माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट, मेरा भाई जो है डिफिकल्ट मतलब लग रहा है उसको, क्या डिफिकल्ट लग रहा है, टू पास अवे द टाइम, तो कहते हैं ना टाइम गुजर नहीं रहा भाई, टाइम पास नहीं हो पा रहा हमारा, बहुत ही मुश्किल लग रहा है। भाई टाइम पास करना चाहते हो ना, तो पास अवे का मतलब होता है मर जाना, ठीक है। तो समय को मार देने की बात नहीं की जा रही है, समय को काटने की, काटने इन द सेंस नहीं चाड़ू छू, क्या कहते हैं उसको, चाकू छुड़ी से, वो नहीं, तो इसको ना कट करने के बारे में, टाइम गुजारने के लिए, तो पास द टाइम होता है ना कि पास अवे द टाइम, या अवे हटा दो, टू पास द टाइम होता है, ठीक है, समय को पास करना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आर नॉट योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर आउट ऑफ टाउन, ठीक है। तो इसमें क्या एरर है, योर फादर के लिए आर आएगा सही है, एल्डर ब्रदर के लिए क्या होगा बोलोगे, मतलब योर फादर और एल्डर ब्रदर दो लोग हैं तो इसके लिए आर आएगा, तो सही है, इसमें आर में कोई गलती नहीं है। एल्डर है सगा भाई है, ये भी सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ओवरऑल सेंटेंस बिल्कुल भी सही है, प्यारा सेंटेंस में नो एरर की जरूरत है। आगे दे दो, आगे देख लो, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड योर लाइफ, ठीक है। अगर आप तुम अपने एल्डर्स की, बड़ों की बात नहीं मानते हो, आगे का पालन नहीं करते हो, लाइफ में सक्सेस नहीं पाओगे, ठीक है। देखो अनलेस के साथ ना नॉट वर्ड नहीं आता, ये डोंट है ना, तो ये अनलेस यू ओबे होगा, आप ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे डोंट की जरूरत नहीं है, निगेटिव बनाने का इसका जरूरत ही नहीं है, निगेटिव नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हटा दो इसको, डोंट को हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। अनलेस अंटिल के साथ नॉट नहीं आता है साथ में। 14 kilometers dash not a short distance to reach my office Delhi. अब ये kilometers देख के ना आर लगाने वालों की जय जयकार है, क्योंकि kilometers के साथ आर नहीं आएगा। जब भी कोई चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है, वो भले देखने में प्लूरल हो, उस सिचुएशन में भी उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 40 kilometers इज नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में बात किया। देखो क्या कह रहा, अ शॉर्ट डिस्टेंस, यहाँ पे सिंगुलर ही आएगा, प्रेसिडेंस को देख के करना होता है। डैश योर वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सेड, अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो तुम सक्सेस नहीं कर पाओगे। देखो अब यहाँ पे ना
से तो कोई शुरुआत नहीं होता सब्जेक्ट का, ये चीज़ ठीक है। अब आपको लगता है ना कि इफ अगर फिल करेंगे तो इफ यू वर्क हार्ड तो यू कांट सक्सीड, ये तो होगा नहीं। अगर तुम क्या कहते हो हार्ड वर्क करोगे तो तुम सक्सीड नहीं होगा, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे ना वो कंट्राडिक्शन दे रहा है, अगर तुम या फिर आप विरोधाभास उत्पन्न करा, अगर तुम करोगे मेहनत तभी पास होगे, अगर नहीं करोगे मतलब कंपेयर किया जा रहा है, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो पास होगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं पास होगे। तो यहाँ पे इफ करते तो यहाँ पे कैन होता, ठीक है, यहाँ पे नॉट नहीं होता। तो टिल से किसी भी वाक्य का स्टार्ट नहीं होता, तो हो गया अनटिल और अनलेस। अगर मैं बोलूँ ना अनटिल, अनटिल यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सेस, तो क्या सही है? देखो अनटिल हमेशा ना समय सूचक चीजों का होता है, समय सूचक, जब भी टाइम वाली चीजों का होता है ना कि वेट या फिर रिटर्न, वेट करो जब तक मैं यहाँ पे हूँ या फिर रिटर्न, ये सब वर्ड अगर सेंटेंस में आते तो जनरली उसी टाइम पे अनटिल का यूज किया करो, अदरवाइज वहाँ पे अनलेस का यूज करो, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत नहीं करते हो, यू कांट यू कैन नॉट स्टडी सक्सीड, ठीक है, मतलब तब तक तुम सक्सीड नहीं होगे। फिर इतने सारे क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, वी विल गो डैश दिल्ली डैश जून। अब यहाँ पे पहला में क्या फिल करें, सेकंड में प्रीपोजिशन फिल करो, वो के साथ टू होता है। अब जून में ना तो जून के साथ इनका यूज होगा, करेक्ट आंसर डी है। आई एम रेडी टू से डैश हिज फेस, हम लोग बोलते ना कि चलो अगर जो बुलवाना है ना उसके मुंह पे बुलवा लो, ठीक है, तो मुंह पे बोल के दिखाओ उसके, तो चल भाई उसके मुंह पे भी बोल देंगे हम लोग, तो कहते हम लोग रेडी टू से ऑन हिज फेस, क्या होगा भाई, ऑन हिज फेस। आई कह रहा डिटेस्ट का सिमिलर बताओ, डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना, क्या होता है नफरत करना, घृणा करना। अगर आप पढ़े होगे केडी बुक में तो आपको मिला होगा डिटेस्ट का मतलब नफरत करना, हेट हो जाएगा। दर्द का मतलब पूछ रहा है आपसे कमी, तो कमी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी, लेकिन सिनोनिम नहीं पूछा है, अपोजिट पूछा है, एंटोनिम पूछा है, तो स्कार्सिटी नहीं होगा, एबंडेंस हो जाएगा। एबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बोलोगे सर सफिशियंसी क्यों नहीं होगा, सफिशियंसी का मतलब होता है पर्याप्त। देखो दर्द मतलब होता है कमी, तो कमी का उल्टा क्या होता है, कोई चीज़ कम है तो कोई चीज़ ज़्यादा है, तो ज़्यादा होगा ना, पर्याप्त का मतलब उतनी है जितना कि काम हमारा होना चाहिए, तो सफिशियंट उसको कहते हैं, ठीक है, अपने काम होने भर कोई चीज़ है तो सफिशियंट कहते हैं। और एबंडेंस का मतलब होता है कि जरूरत से ज़्यादा, तो करेक्ट आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे, एबंडेंस ही बन रहा है, सी इसका सही आंसर है, एंटोनिम। फिर कह रहा पर्सन हु इज ऑलवेज लुकिंग फॉर फाइट, एक ऐसा इंसान जो हमेशा लड़ाई क्या कहते हैं लड़ाई झगड़ा करने के चक्कर में रहता है, उसको हम लोग बेलिकोज कहते हैं, बेलिकोज मतलब होता है लड़ाकू। आप में से बहुत सारे लोग होंगे हर बात पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते होंगे, उसको बेलिकोज कहते हैं हम लोग। ब्लैक शीप एक ईडीएम है, कल मैंने पढ़ाया था, उम्मीद है कि यह सही होगा। एन अनवर्दी पर्सन इन अ फैमिली और ग्रुप, अपने फैमिली और ग्रुप के लिए एक ऐसा इंसान जो कि कलंक बनता है। आपसे एक पैसिव पूछा गया, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, ठीक है, जो ट्रैफिक का नॉइज है वो मुझे उठा देता है बार बार, तो वही चीज़ है, मी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और पास्ट में है ना केप्ट, तो आई वाज केप्ट, तो बी या फिर सी में से होगा, तो आई वाज केप्ट वेकिंग होगा या फिर अवेक होगा, तो बी थ्री होगा, तो अवेक का अवेक ही होता है, तो आई वाज केप्ट अवेक बाई द नॉइज ऑफ ट्रैफिक, करेक्ट आंसर इसका सी बनेगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, द ओल्ड विमेन सेड ओ आई मिस द ट्रेन, ओल्ड औरत कहती हैं जा मैंने तो ट्रेन छोड़ दिया, तो वो अब पछता रही है ना, ठीक है, अब पछता तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब यहाँ पे चिड़िया तो चुगने नहीं आई थी, ट्रेन भाग गया डीजल पी के या फिर इलेक्ट्रिक पी के, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं द ओल्ड विमेन, जब वो रिग्रेट कर रही है तो रिग्रेट से बनाओ, सॉरी तो होगा नहीं क्योंकि क्षमा थोड़ी मांग रही है, वो पछता रही है तो रिग्रेट होगा। The old woman said with regret that she had missed the train. Correct spelling of parallel. Parallel का correct spelling क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। Parallel का correct spelling option number A वाला है, PARALLEL, ठीक है। Adjective of kindness. Kindness एक प्रकार का noun है। Noun है। Kindly एक प्रकार का adverb है। Kindliness पता नहीं क्या है। Kind जो है ये एक perfect answer है जो कि इसका adjective है। Adjective भी पूछ रहा था। अब ये पैसेज पैसेज बनाओ, पैसेज पढ़ो, पैसेज बनाओ। चलो फिर सवाल देखते हैं, हमारा पैसेज बनाने का तरीका अलग होता है। हम क्या करते हैं, पहले सवाल करते हैं, फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी व्हाट हैज कॉज्ड अ ड्रामेटिक फॉल इन द ब्लैक रिनोसर्स पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये 20th सेंचुरी में पूछ रहा है,
क्या रीजन था, ठीक है, उनके मतलब ब्रेमिटिक फाल, मतलब ब्रेमिटिक फाल में जो ये रिनोसर्स थे उनके पॉपुलेशन में 20वीं शताब्दी में जो गिरने का कारण क्या था। अब पढ़ेंगे हम पैसेज। 2 सेंचुरीज अगो द ब्लैक रिनोसर्स विच रोम्ड मच ऑफ सब सहारा अफ्रीका। रोम्ड मतलब क्या होता है भैया, घूमते रहते थे, घूमना। रोम मतलब ऐसी, मतलब जो होता है ना घुमक्कड़ टाइप का। विच मच ऑफ सब सहारा अफ्रीका हैड 64 डिफरेंट जेनेटिक लाइनेजेस बट टूडे ओनली 20 ऑफ दीज लाइनेजेस रिमेन सेज द पेपर। द स्पीसीज इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू 5 कंट्रीज। जो स्पीसीज है वो 5 कंट्रीज में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। वो कौन कौन सी कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, केन्या, ये क्या जिम्बाब्वे एंड तंजानिया, ठीक है। जेनेटिकली यूनिक पॉपुलेशंस डैट वंस एग्जिस्टेड इन नाइजीरिया, मतलब जो उनका यूनिक पॉपुलेशन था एक टाइम पे एग्जिस्ट करता था, कहाँ कहाँ पे नाइ मतलब रहा करता था, नाइजीरिया में, कैमरून में, चैड में, इरिट्रिया में, क्या नाम है यार, इथोपिया में, सोमालिया में, मोजाम्बिक में और मलावी में एंड एंगोला। वो सब जो था वो हैव डिस अपीयर्ड, वो सब अब खत्म हो चुका है। द किस चीज की, रिनोसोर्स के बारे में बात की जा रही है। द ओरिजिन्स ऑफ द जेनेटिक इरोजन, ये क्या भाई, क्वाइंसाइडेड विद द कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ बिग गेम हंटिंग, ठीक है। अब हंटिंग वो लोग करते थे, कॉलोनियल रूल का मतलब जो ब्रिटिश रूल जब आया था ना उसे जाता है। फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी हाउएवर, पोचिंग, पोचिंग का मतलब होता है इलीगल तरीके से जानवरों को मारना। फोर हॉर्न्स हैज ड्रामेटिकली डिप्लीटेड देयर पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पेशली इन केनिया एंड तंजानिया, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के बारे में कह रहा है, तो 20वीं शताब्दी का जिक्र यहाँ पे। अब क्या हुआ भाई, किस वजह से, क्या रीजन था उनके खत्म होने का। कुरन ड्रामेटिकली डिप्लीटेड देयर पॉपुलेशन, मतलब बहुत ही गलत तरीके से वो उनके पॉपुलेशन को खत्म किया गया। तो वो रीजन क्या था, पोचिंग था, ठीक है। कोचिंग ये रहा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। आगे देखो, क्या जेनेटिकली यूनिक ब्लैक रिनोसरस रिनोसरस हैज बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट, मतलब कह रहा है वो खत्म हो गए किन किन बहुत सारे कंट्रीज में, लेकिन उनमें से कौन सा नहीं था एक्सेप्ट का, मतलब अपवाद कौन सा था। देखो कहोगे सर, देखो कुछ कंट्रीज का नाम यहाँ पे है, वो है ये साउथ अफ्रीका, नामीबिया, केन्या, जिम्बाब्वे, ठीक है। ये खत्म होने के बारे में नहीं कह रहा, वो कह रहा है रिस्ट्रिक्टेड किया गया, जो उनका खत्म हो गया, जो एग्जिस्ट किया करते थे वो डिसअपियर्ड हो गए। वो ये सारे कंट्रीज है, नाइजीरिया, कैमरून, चैड, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, क्या नाम है भाई, मोजाम्बिक, मलावी एंड एंगोला, ये सब कंट्रीज में। तो इन सारे ऑप्शन में से वो कौन सा कंट्री नहीं है जहाँ पे डिसअपियर्ड हो गए। तंजानिया है, बिल्कुल भी है, ये रहा तंजानिया, ये नहीं है। दूसरे वाले में देखो, अच्छा दूसरे वाले में नहीं है, जेनेटिकली यूनिक पॉपुलेशन दैट वंस एग्जिस्टेड नाइजीरिया है, नाइजीरिया बी में है, चैड है इसके अंदर, चैड भी है, फिर मलावी है इसके अंदर, यही है ना, हाँ ये भी है, तो ठीक है। तो ऑप्शन तंजानिया इसका सही आंसर है, तंजानिया को छोड़ के बाकी इन जगहों पे वो डिसअपियर्ड हो गए, नाइजीरिया, चैड, मलावी, जो भी चीजें, ठीक है। फिर कह रहा है जेनेटिकली यूनिक ब्लैक रिनोसोर्स हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड वो इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट, मतलब वो कौन कौन से कंट्री में रिस्ट्रिक्ट किए गए, एक को छोड़ के। तंजानिया में रिस्ट्रिक्ट किया गया था, कहा था ना दिस स्पीसीज इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू 5 कंट्रीज, कौन कौन सा था, साउथ अफ्रीका था, नामीबिया था, नामीबिया देखो है तो ये नहीं होगा, केन्या भी ऑप्शन में है तो ये नहीं होगा, जिम्बाब्वे ऑप्शन में नहीं है एंड तंजानिया, तंजानिया भी ऑप्शन में है। तो मलावी के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था, मलावी के अंदर एक टाइम पे वो एग्जिस्ट करते थे जो कि डिसअपियर्ड हो गए। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। 19th कह रहा है द फाइंड द बेस्ट टाइटल फॉर द पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ किस चीज पे है, द ब्लैक रिनोसर्स, बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को क्योंकि ब्लैक रिनोसर्स के ऊपर पैसेज है, तो हम क्यों ना यही आंसर कर दें, आप में से बहुत लोग कर देंगे। फिर कह रहे हैं एनिमल हंटिंग, क्या जानवरों को हंट किया करने के बारे में बात करें, देखो इसमें पूरे जानवर की बात ही नहीं की गई, सिर्फ रिनोसर्स के बारे में बात की गई, तो ये तो बनेगा नहीं। हंटिंग द रिनोसर्स, तो ये ठीक है, इसमें हंटिंग के बारे में बात की गई है, बट जरूरी नहीं है कि खाली हंटिंग की गई है। क्यों, क्योंकि कुछ जगह रिस्ट्रिक्ट किए गए थे, कुछ जगह मतलब हंटिंग किए गए हैं, कुछ जगह वो हो गए अपने आप, वो मतलब उनकी जो पॉपुलेशन डिसअपियर्ड हो गई, तो सिर्फ हंटिंग नहीं किया गया, रिस्ट्रिक्ट भी किया गया था कहीं कहीं।
ये हंटिंग कहना थोड़ी सी गलत हो जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या कह रहा है, एग्जिस्टेंट ऑफ रिनोसर्स, मतलब उसके अस्तित्व के बारे में बात की जा रही है, तो ये सही है कि रिनोसर्स की जो एग्जिस्टेंट थी वो उसके बारे में बात की गई, कहाँ कहाँ पे वो थे, तो उनकी एग्जिस्टेंट कहाँ कहाँ थी वो पूरा डिटेल में इसके अंदर दे रखा है। करेक्ट आंसर इसका डी बनेगा। 20 नंबर है, फाइंड द वर्ड ऑफ पोचर। पोचर का मैंने बोला ना, एक तरीके से जानवरों को गलत तरीके से मार देना, इलीगल तरीके से। कुछ लोग कहोगे आप हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी, तो ये नहीं बनेगा। तो बोलोगे पोचर का ही मतलब तो वही होता है ना, गलत तरीके से मारने वाला। हाँ ठीक कह रहे हो, अगर हम हंटर मारे तो किलर भी हो सकता है, मर्डरर भी हो सकता है। क्यों भाई, देखो ये तीनों तो सेम मीनिंग दे रहे हैं। हंटर मतलब हंटिंग जानवरों की कभी कभार लीगल तरीके से भी होती है, तो लेकिन पोचर हमेशा पोचिंग का काम इलीगल तरीके से होता है, तो वो जो होगा ना रोबर सही है। ठीक है, रोबर मतलब होता है डकैती, चोरी करना, जानवरों को मार के चोरी करने के अर्थ में हम लोग पोचिंग का यूज करते हैं, पोचर का। तो करेक्ट आंसर सी बनेगा इसका। अदरवाइज ए बी और डी एक तरीके के थोड़े से मीनिंग देने लगेंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी कमेंट करके बताओ 20 में से कितने आपने सही किए, और आंसर की के साथ PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पेड बैचेस आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का लाइक बटन है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर किया करो।